अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मेरे प्यारे बहन भी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी माशाल्लाह से अभी जी मैं बाबा जी के घर आई हूँ और बाबा जी का देखें कितना बड़ा कमरा बन रहा है, तो वो अंदर से भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से ये देखें अंदर से भी और बाहर से भी प्लस्तर हो गया है और वाशरूम का विज़िट भी करवाते जो मैंने बनवाई है। देखिए माशाल्लाह बहुत बड़ा कमरा बन गया है और सब कुछ दो सीटर वाला कमरा और सब कुछ है। देखिए वो सफिल भी बनवाई है हम लोगों ने और यहाँ पर अलमारी सेट करवाएंगे। ये विंडो है और यहाँ पर चाहे विंडो भी लगा देंगे तो हवादार बन जाएगी। तो ये सामने बड़ा दरवाजा लगा, ये अलमारी की जगह है। अस्सलाम वालेकुम, ये अलमारी की जगह है, ये बाद में तो सिर्फ फर्श रहेगा इसका। आज में सिर्फ फर्श रहेगा। तो हम लोगों ने दो विंडो लेकर दी थी तो इन लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने एक इधर लगानी, एक हमारा छोटा सा जो आगे कमरा बचा हुआ है ना वहाँ पर सेट करेंगे। तो उसमें हम लोग दिन को बैठेंगे, इस कमरे में कुछ सामान वगैरह भी रख देंगे, चार पाया होगी जिस तरह से। और बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा कमरा हो गया है। तो सिर्फ इसका फर्श रहेगा, मिस्त्री अभी लगा हुआ है, बाहर से प्लास्टर कर रहे हैं और ये फर्श भी बनाएगा और ये अलमारी भी सेट करेगा। तो ये देखिए जी ये वाशरूम बनाया था हम लोगों ने। तो ये देखें कि दरवाजे वगैरह सेट हो चुके हैं, सब कुछ सेट हो चुका है और यहाँ पर ये लोग अभी बैठते हैं। ये देखें इनकी जगह, ये भी अच्छी है बैठने के लिए, तो सही है। तो दो तीन बल्कि बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो क्योंकि चाचा जी का अंकल का ऑपरेशन था तो उनका ऑपरेशन माशाल्लाह कामयाब हो गया। तो आज उनकी काफ़ी तबीयत बेहतर थी, रात को तो ख़राब हो गई थी, दूसरा दिन है तो फिर दोबारा हम ले गए थे डॉक्टर के पास। उन लोगों ने चेकअप किया, उन लोगों ने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है खास, ये बैठने की वजह से है। जो काम करता है बंदा वो बैठ जाए तो उतार चढ़ाव आता है, इतना बड़ा सर्जरी थी तो उतार चढ़ाव 3 महीने रहता है, तो कभी ऊपर भी कभी सेहत ठीक होगी कभी ख़राब होगी, तो आपने सिर्फ दुआ करनी है जी। आप लोगों ने बहुत सारी दुआ, तो आज से ना हम काम शुरू दोबारा से कर रहे हैं, जितने काम हमने अपने गाँव में कराए हैं तो आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बहुत सारी दुआ करनी है, पहले भी आप लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग यहाँ तक आए हैं, तो आगे भी आप लोगों ने दुआ करनी है और अल्लाह ताला भी हमारा साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाबा जी कैसा लगता पे तक कमरा बनना पे तरह घूम रहा दे आज दो चार रुपया तरह भी यहीं आवे से दुआ करो मेरी सिस्टर वास्ते जेरी तक बढ़वा दीते सी। अल्लाह पाक उनको रंग लावे और उनको तकलीफों को खुदा बचावे। आमीन आमीन। तकलीफों को खुदा उनको रंग लावे, खैर खुश रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। और चाचा जी और उनको भी खुदा खैर सुख दे। आमीन आमीन, आमीन। बस दुआ चाहिए है। तो प्यारी बीवी काम बहुत ज्यादा है, अभी मैं बाजार जा रही थी चार पाया खरीदने, बहुत सारा सामान खरीदना था वो, और काम भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मस्जिद के काम है, उधर एक कमरा और आज इंशाल्लाह वहाँ पर मिट्टी डलवाना शुरू कर दिए, तो इंशाल्लाह वो है हमसे काफ़ी दूर है, शायद देखते हैं कि आज पहुँच सकते हैं कि वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, लेकिन बहुत सारा सामान लेना तो आपसे शेयर करते जाएंगे और जो जो काम कराए हैं वो इंशाल्लाह आपको आप के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं। हाँ चले, पहुँच गए यहाँ पर, जहाँ जलसे हो रहे हैं हमारे साथ से जलसा गुजारा है ना पीटीआई का, बहुत बड़ा पीटीआई का। कितना बहुत राशि उधर से लेने गए हैं चाचू के लिए गोश्त बकरे का, बड़ी मुश्किल से मिला। ये देखें जी ये सारी सड़कें जो है ना ब्लॉक हो गई है जैसा जा रहा है, और मैं अभी जो है ना शहर में हूँ। तो ये देखें ये जा रहे हैं जी जैसा जा रहे हैं, देखें जी सारी की सारी सड़क ब्लॉक हो चुकी है। तो ये हमारा लोथरा शहर है और देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा शहर है। ये देखिए यहाँ पर सब्जी वगैरह फल फ्रूट वगैरह ये देखिए रेड़ियाँ लगी हुई होती हैं, यहाँ से खरीदते हैं। पहुँचे हैं घर, वहाँ पर आज जुलूस बहुत है शहर में, तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे, तो रक्षा वाला भी माशाल्लाह से पीछे आ गया और चाचे को भी हम साथ ले गए हैं। इसका ना घर रास्ते में पड़ता है, तो उसको जो पता दिया था ना हमने कहा था कि ये सामान घर ही पहुँचाना है, तो वो घर ही पहुँचा गया है। ज़ारा है ये देखें, ज़ारा ये क्या दिए करिए। हाँ
ये उस बाबा जी के। तो चाचा जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम तकरीबन हो गया फर्श वगैरह? जी फर्श आज महरान दाते थे वो दीवार हो गई। दीवार हो गई। तो ये देखें जी, सब कहते हैं कि ये चारपाईयां थोड़ी हल्की मालूम होती हैं, तो इस चारपाई का इतना वजन है, ये बहुत वजनी है, लगती है कि जैसी है, लेकिन ये इसका लोहा अच्छा लगा है और उस पर से। और आपको तो पता है लोहा कितना महंगा हो गया है। हाँ बहुत ही महंगा है। तो ये चारपाई हम लोग लेकर आए, और वो बिस्तर और वो चारपाई जो है ना उधर पहुँचानी है। और चाचू जी की कितनी है? चाचू जी की दो। चाचू जी वो दो चारपाई ले लें आप, बच्चा साथ आया है उसको उसको भी उठाने ले लें, वो ले लें आपकी हैं वो ले लें, वो दो चारपाई आप लेकर जाए। और वो भी आने वाले हैं, और उनको भी फोन किया, वो भी आने वाले हैं। वो आने वाले हैं। हाँ ठीक है, फिर वो ले जाएंगे हम। तो प्यारे विवाह अंतर चलते हैं थोड़ा सा, आज अब्बू जी हमारे पास हैं तो आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं। क्यों चाचा जी बारे नहीं? नहीं अच्छा वाल वो रेडी वाला आसी वाल टैल है। कितनी टैल खुट गई है? वो टैल साल फोर वास्ते है। पंजा लग गई सी। चलो चलो वासिया बोल 50 टैल ले जाना कर, फिर वो भिजवा देंगे आपके पास। ठीक अच्छा चलो चलो लेते जाना, चले यहाँ से अंदर। चाचा जी को चार चलो चलो वो बच्चे को साथ मिला लें उठा लें। ठीक है ना, आ जाए अंदर आसिया। बाहर सोते हैं तो बना कर रखते हैं। अब्बू जी गप शप ज्यादा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। सब बहन भाई पूछ रहे थे कि अब्बू जी से बात करें, अब्बू जी को मिलवाएं। तो ये बैठे अब्बू जी, आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल ठीक। अभी आया हूँ। और माशाल्लाह से चाचू जी भी काफी बेहतर हैं। सलूट मारे आ चाचू जी। और हम चाचू को कहते कि वाह प्यारे दोस्तों मैं बोल नहीं सकता, इसीलिए सलाम करता। अच्छा अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे और सेहत वाली लंबी जिंदगी। आमीन। वाकई ये चाचू जी गेम भी खेलते हैं? गेम कितनी खेली है चाचू? चाचू जी किस तरह से खेलते हैं? इसी इसी गेम ना खेलने की वजह से ना आपने दो तीन चक्कर लगवाए हमें। इसको 40-60 पे रखें, 60-60 पर रखें, खेचे इसको 60 ना, इसको 60 पर रखें। नहीं इसको इसको क्या खुद वो रखता हूँ, ये सांस के लिए होता है। सांस के लिए बहुत ज़रूरी है चाचू, ये आपके लिए, ये सब चीज़ों का इलाज है प्यारी विवाह, बाईपास के बाद इस चीज़ का इलाज। तो अबू जी से बात कराएं कि अबू जी को उधर कैसा लगा वो वाला? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वहाँ का माहौल जो है मुझे नहीं रास आया। और अबू जी टीले हैं वहाँ पर जहाँ पर चाचू रहते हैं। तकरीबन 15 दिन लगा के आया हूँ वहाँ पर, 10-15 दिन लगा के आया हूँ वहाँ। रेत के टीले और जंगल के अलावा और कुछ नहीं है। अगर कहीं से सब्जी या कुछ लेनी लेने के लिए जाना हो तो 7-8 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता था। मेरे अल्लाह ताला इंशाल्लाह देखें। अब चाचू जी खुद ही लंबी जिंदगी दे, जिसके लिए हमने इतनी कोशिश की, कामयाबी दी है। थोड़ी सी वाकई चाचू जरूर करनी है आज, 15 मिनट आज करनी है आपने, आज एक एक मिनट बढ़ानी भी है। ये मेरा अबू है जरा, आप अपने अबू के पास, ये मेरा अबू है पापा। अबू अबू आपका है, ये मेरा है अम्मा। जी आ जाओ भाई, आ जाओ मुर्शिद। मुर्शिद आपको भूल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। चाचू जी चाचू एक और चाचू है उसका जहेज इकट्ठा कर रहे हैं। उसकी शादी कर रहे हैं। ये वो चार पे उसी की थी और उसी को देनी है। वो आने वाले इंशाल्लाह, वो भी आपसे शेयर करते हैं, फिर उसके बाद ही वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है ना? कमा जी अम्मा क्या हाल है? ठीक है वे जी अम्मा ठीक है। ए बिस्तरे भी तो आ रहे हैं, ए चार पहिए ही तो आ रहे हैं जी। जय बाजी भेजन उन्हां दे वास्ते दुआ करो सर। बिल्कुल दुआ है मेरा पुत्र। हां अल्लाह से दुआ है मेरा पुत्र, ताको खुश रखो जी अम्मा। दे ए चाह मनो। अच्छा हाँ तो मिट्टी शिट्टी पा के जगह जगह समान शमान पहुँच गए जी। जी पहुँच गए। अच्छा अल्लाह से बेहतरीन से जल्द कमरे बढ़ गए। ठीक है भाई जी, ठीक है।